वाले हैं वो करवा लेना। क्यों बे, हो गई मेरे जूतों पे पॉलिश? हाँ साहब हो गई, ये लीजिए। ये ले 5 रुपए। नहीं साहब 10 रुपए हुए। क्या कहा 10 रुपए? बिल्कुल लूट मचा रखी है क्या? 10 रुपए में तो मैं 2 दिन पॉलिश करवा लूंगा। चल पकड़िए 5 रुपए। नहीं साहब 10 रुपए चाहिए मुझे, 8 रुपए की पॉलिश लग गई इनमें और 2 रुपए की मेरी मेहनत। देख 5 रुपए लेने हैं तो ले, वरना मैं ये भी नहीं दूंगा। नहीं साहब पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, मेहनत के मांग रहा हूँ, भीख में नहीं। अच्छा तो ऐसे नहीं मानने वाला तू, तुझे पता नहीं है मैं कितना बड़ा हरामी हूँ। रुक अभी देता हूँ तुझे पैसे। और मांगेगा पैसे? ले। नहीं साहब मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं और मांग पैसे, अब क्यों मना कर रहा है? नहीं नहीं बोल। हटिए भाई साहब, ये क्या बदतमीजी है, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? क्यों, तू कौन होता है भाई साहब को रोकने वाला, ये कुछ भी करे। देखिए भाई साहब ये बेचारा बहुत गरीब है, इसके पिताजी नहीं है, अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये जूते पॉलिश करता है, और आप तो पढ़े लिखे और पैसे वाले लगते हो, अगर आप ही ऐसा करोगे तो फिर गरीब और बेसहारा लोगों का क्या होगा? तो मैंने क्या गलत किया इसमें? 5 रुपए तो लगते हैं पॉलिश के, और ये 10 रुपए मांग रहा है, ये गलत बात नहीं है क्या इसकी? साहब आपको शायद गलत फहमी है, 10 रुपए ही लगते हैं पॉलिश के। अच्छा तो अब तू भी इसकी ओर ले रहा है, लगता है तू भी इसकी तरह गरीब है। तुम साले गरीब लोग होते ही ऐसे हो, हम जैसे अमीर लोग देखते ही पीछे पड़ जाते हैं कुत्तों की तरह। लेकिन बेटा मैं तुमसे भी बड़ा हरामी हूँ। अभी से 10 रुपए तो क्या, मैं 5 रुपए भी नहीं दूंगा, जा जो तेरी बस किया कर ले। भाई साहब पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, मेहनत की कमाई है इसकी, हराम के नहीं मांग रहा। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तूने 10 रुपए के लिए मेरा हाथ पकड़ा? रुक अभी बताता हूँ तुझे। बेटा आज के बाद हम अमीरों को छूना तो दूर, देख भी मत लेना। तुम गरीबों की हमारे जूते की बराबर भी औकात नहीं है, और तुम जैसे गरीब लोग हम जैसे अमीर लोगों को पैसों के बहाने छूना चाहते हो। बेटा तुम्हें एक थप्पड़ मार दिया ना भाई साहब ने, शक्तिमान की तरह घूम जाएगा, बड़ाया भाई साहब से पैसे मांगने वाला। चल हट यहाँ से, चलो भाई साहब। आप चला बड्डे साहब, 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही है, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं दवाई ले आता। बुड्ढे तुझे कितनी बार बोला है मैंने कि सुबह सुबह पैसे मत मांगा कर, तेरी एक बार की समझ में नहीं आती क्या? साहब अब 10 बज रहे हैं, सुबह थोड़ी है, फिर आप देर रात तक आते हो, और रात में भी आप पैसे मांगने से मना करते हो। तो फिर मैं क्या करूं, काम छोड़ के तेरे पैसे देने आऊं? नहीं साहब किसी और से बोल दीजिए घर में, या फिर आप खुद ही पैसे दे दो जो मुझे मांगने ना पड़े। बुड्ढे मुझे सुबह सुबह और कोई काम नहीं है क्या जो मैं तेरे पैसे देने आऊं? और बुड्ढे तू ये बता किस बात के पैसे दूं तुझे, तुझसे एक काम तो ढंग से होता नहीं है। और ये बाइक देखना, ऐसे लग रही है जैसे 1 साल से धुली नहीं है, कितनी गंदी पड़ी है ये। नहीं साहब साफ तो है, अभी तो साफ की है मैंने। अच्छा तुझे क्या मैं अंधा दिखाई दे रहा हूँ जो बोल रहा हूँ? लगता है ऐसे नहीं मानने वाला तू, तुझे नौकरी से निकालना पड़ेगा, चल निकल यहाँ से। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, मैं दोबारा से साफ कर देता हूँ। चला बट लेट हो रहा हूं मैं। अरे पिताजी आ गए आप, बैठिए। मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। ये लीजिए पिताजी, पानी पी लीजिए। क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हो? आज भी पैसे नहीं दिए क्या मालिक ने? आज भी पैसे नहीं दिए मालिक ने। तो फिर पिताजी आप ऐसे काम को छोड़ क्यों नहीं देते? 6 महीने हो गए आपको काम करते करते, एक पैसा नहीं दिया है मालिक ने। छोड़ तो दूं बेटा, लेकिन इस उम्र में फिर मुझे कोई काम नहीं देगा, और जब तक तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, तेरी नौकरी नहीं लग जाती,
तब तक तो मैं काम करूंगा, वरना तुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। और अभी बस तुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, मेरी टेंशन मत ले। जब तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा ना, तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ पिताजी, मैं एक दिन जरूर बनूंगा बड़ा आदमी। ये लीजिए पिताजी, खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, साहब आने वाले होंगे, बहुत गुस्सा होंगे अगर मैंने काम नहीं किया तो। नहीं पिताजी, पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद काम कर लेना। पिताजी आप गर्म कैसे हो रहे हो? आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप फिर भी काम कर रहे हो। चलिए आराम कर लीजिए, आइए। आप यहाँ लेट जाइए। नहीं बेटा, मालिक बहुत गुस्सा होंगे अगर उन्होंने मुझे खाट पर देख लिया तो। नहीं, मालिक से मैं बात कर लूंगा कि इनकी तबीयत खराब है। आप लेट जाइए और ये कपड़ा मुझे दीजिए। पिताजी सारा काम हो गया है, मैं आपके लिए दवाई लेके आता हूँ। ठीक है बेटा। विकास भाई देखो, काम कुछ भी हुआ नहीं है, ये बुड्ढा साला आराम फरमा रहा है। आज ये साला बुड्ढा मेरे हाथों से मरेगा। कामचोर बुड्ढे, मैं तुझे काम के पैसे देता हूँ या आराम फरमाने के? साहब आपका काम तो सारा हो गया, मुझे बहुत तेज बुखार है इसलिए मैं थोड़ा आराम करने लगा। अच्छा, मेरे सामने बुखार का नाटक करता है? खड़ा हो, चल फिर से काम कर। साहब ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कौन करता है अपने से बड़ों के साथ? क्यों, तू रोकेगा मुझे? और एक मिनट, तू तो वही है ना जो कुछ दिन पहले उस गरीब बच्चे के लिए मुझसे बहस कर रहा था, और आज इस कामचोर बुड्ढे के लिए मुझे बदतमीज बोल रहा है? साहब तमीज में बात कीजिए, ये मेरे पिताजी है और ये कामचोर नहीं है, बल्कि आप बेहद लालची, घमंडी और बदतमीज आदमी हो जिसे दूसरे से बात करने की तमीज नहीं है। अच्छा बेटा, अब तू सिखाएगा मुझे तमीज? बेटा तुम गरीब लोग ना तमीज से बात करने के लायक नहीं हो, और ना तुम गरीबों की कोई इज्जत होती है जो मैं तुमसे सही से बात करूं। खैर वो सब छोड़, तू ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आके मुझसे उल्टा बोलने की? बेटा तेरे इस बुड्ढे बाप की भी औकात नहीं है जो मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर सके। क्यों बुड्ढे, तूने इसे बताया नहीं मेरे बारे में? साहब माफ कर दीजिए इसको, इसे मालूम नहीं है आपके बारे में। तो फिर बताया क्यों नहीं तूने इसे मेरे बारे में? चल अब निकल यहाँ से, मुझे नहीं रखना तुझे काम पर। एक तो तू काम नहीं करता ढंग से, ऊपर से अपने बेटे को और बुला लाया मुझसे बहस करने के लिए। साहब ऐसा मत कीजिए, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम से मत निकालिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, चल निकल मेरे घर से। देख लिया बेटा, मेरे सामने तेरी बाप की ये औकात है और तू मुझसे बहस करने चला है। चलिए पिताजी, कोई फायदा नहीं है ऐसी जगह काम करने का जहाँ लोग हमारी इज्जत नहीं करते। हाँ ले जा अपने बाप को, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है ऐसे कामचोर बुड्ढे की। एक काम तो ये ढंग से करता नहीं है, ऊपर से अकड़ और दिखाता है। यार तू तो बहुत तेज निकला, बुड्ढे से 6-7 महीना काम भी करवा लिया और एक भी पैसा नहीं दिया। भाई ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं ऐसे ही करवाता हूँ। पहले इन गरीबों को 5-6 महीने काम पे रखता हूँ और फिर किसी ना किसी बहाने से इन्हें भगा देता हूँ। सही है यार तेरा भी, चल अब चलते हैं। अभिषेक बेटा तू मुझे क्यों लिवा लाया? अब मुझे कोई काम भी नहीं देगा, मालिक पैसे भी नहीं देगा। 7 महीने के पैसे हैं मालिक पर मेरे। पिताजी आप बेकार में उम्मीद लगाए बैठे थे वहाँ, मैं इसे जानता हूँ, बहुत लालची आदमी है ये, 5 रुपए तक नहीं देता है गरीबों के, और आपके पैसे भी ये कभी नहीं देता, बस झूठी उम्मीद देता रहता आपको। लेकिन अब कहाँ मिलेगा मुझे काम? अब काम नहीं मिला तो मैं तेरी पढ़ाई कैसे पूरी करा पाऊंगा? मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं तेरी पसंद की पढ़ाई पूरी करा सकूं और तेरी पसंद की चीज़ें दिला सकूं। इच्छा हो तो वे भी मैं तुझे ये सब कुछ नहीं दिला सका।
कोई बात नहीं पिताजी, आप ऐसा मत सोचो, सब कुछ आपका दिया ही हुआ तो है, और जो कुछ मैंने बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो। पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी, पिताजी कुछ तो बोलिए पिताजी। चलिए मैं आपको डॉक्टर के लिए चलता हूँ पिताजी। पिताजी उठिए। साहब मेरे पिताजी बीमार हैं। अच्छा चलो लेकर आओ उन्हें। जी साहब। और इस तरह राहुल राणा ने मेरी मुश्किल वक्त में हेल्प की और फिर मैंने खूब मेहनत करके आईएएस ऑफिसर बनके अपने पिताजी का सपना पूरा किया। विकास, तुमने जो शेयर मार्केट में पैसा लगाया था वो सारा डूब गया और तुम्हें पूरे 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ मैं सही बोल रही हूँ, ये देखो। अब क्या करूं मैं यार, मैंने तो करोड़ों रुपये ब्याज पे लिया है लोगों से, सोचा था करोड़ों का फायदा होगा मुझे, लौटा दूंगा सबका, लेकिन अब कैसे लौटा पाऊंगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। सुनो, मेरे एक जानकार हैं आईएएस ऑफिसर, आप उनसे मिल सकते हो, शायद वो आपकी कुछ हेल्प कर दें। अच्छा प्लीज जल्दी से मिलवाओ मुझे उनसे। ठीक है मैं बात कर लेती हूँ उनसे, आप कल मिल लेना। अरे यार कहाँ है तेरा सर, इतनी देर हो गई वेट करते करते, पता नहीं ध्यान ही नहीं है, देखता हूँ चल एक मिनट। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरा छोड़, तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ आईएएस ऑफिसर से मिलने आया हूँ, पर्सनल मीटिंग है मेरी उनसे, लेकिन सुबह सुबह तेरी शकल देख ली मैंने, लगता है दिन खराब जाने वाला है। दिन तो खराब जाएगा बेटा पक्का तेरा। अच्छा बेटा ये कोट पैंट पहन के अपने आप को कहीं का डीएम समझ रहा है? अभी बताता हूँ तुझे। अरे हटो विकास, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम इनके साथ? अरे यार पता नहीं तेरा आईएएस ऑफिसर कहाँ गया और पता नहीं ये साला गरीब कहाँ से आ गया मेरा दिमाग खराब करने, इसी को सबक सिखा रहा हूँ, कोट पैंट पहन के अपने आपको आईएएस ऑफिसर समझ रहा है। अरे पागल हो क्या, यही तो आईएएस ऑफिसर है। क्या यही आईएएस ऑफिसर है? सर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या कहा माफ कर दो? शर्म आनी चाहिए तुझे माफी मांगते हुए भी, क्योंकि तूने जो पाप किया है ना वो माफ करने लायक नहीं है। तेरे जैसे लोग लालच और घमंड में इतने चूर रहते हैं ना कि तुम्हें अपने फायदे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। अपने मजाक के लिए तुम जैसे लोग गरीबों पर अत्याचार करते हो, उनका हक मारते हो और फिर उन्हीं पर धौंस दिखाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को अपने आप पे। और बेटा गरीब और मजदूर पर अत्याचार करने वालों को मैं तो क्या ऊपर वाला भी माफ नहीं करता। चल अब निकल यहाँ से, कोई हेल्प नहीं कर सकता मैं तेरी। नहीं सर प्लीज सर मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुझे बोला ना निकल यहाँ से, एक बार का समझ नहीं आता, चल निकल यहाँ से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझसे बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम आईडी मैंने स्क्रीन पर दी हुई है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।